एक बार इस बार देखिए रफ्तार नजर आई, तुरंत ईट का जवाब पत्थर से देते हैं ये गेंदबाज। जब 12 गेंदे और 18 रनों की जरूरत, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर होता हुआ नजर आएगा। चलिए टीम मीटिंग के लिए वक्त नहीं है, अब इसके बाद एक और मुकाबला खिलाना है, तो टीम मीटिंग के लिए अब यहां से आपको वक्त नहीं है। 12 गेंदे और 18 रनों की जरूरत, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश जारी है टीम बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा की, कोशिश जारी है टीम चिकले की। कौन जीतेगा इस मैच में और आखिरी मैच में खेलेगा बोरले टीम के साथ, किसका सपना होगा पूरा और किसका सपना रहेगा अधूरा, ये देखना यहां से जरूरी होगा। 12 गेंदे शेष, 18 रनों की जरूरत, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए गेंदबाज यहां से इनाम लगता हुआ चिखले ग्राम पंचायत इनके ओर से, लगातार 3 चौवे या फिर लगातार 3 छक्के आते हैं तो 2000 का इनाम दिया जाएगा। गेंदबाज ऋतिक मात्रे गेंदबाजी की बागदौड़ संभालते हुए यहां से नजर आएंगे। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज प्रथमेश पाटिल, प्रथमेश पाटिल फुल टॉस के लॉलीपॉप गेंद के ऊपर दंडी गोल होती हुई नजर आई, विकेट यहां से मिलेगा, काफी निराश यहां से दिखते हुए प्रथमेश पाटिल। ऐसे गेंद सुबह अगर दोपहर के सत्र में इस खिलाड़ी को मिलते तो काफी लंबी जाती थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं, वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। यहां से समीकरण चेंज, 11 गेंदे शेष और 18 रनों की जरूरत, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। नए बल्लेबाज प्रीतम पाटिल यहां से जाएंगे, 11 गेंदे 18 रनों की जरूरत, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर है। 11 गेंदे और 18 रनों की जरूरत, प्रीतम पाटिल इन एट नंबर 5 की पोजीशन पर आते हुए, काफी जबरदस्त मुकाबला। गेंदबाज ऋतिक मात्रे की यह फुल टॉस गेंद थी, हालांकि गेंद खराब थी लेकिन बल्लेबाज का वक्त खराब था, इसी के कारण क्लीन बोल्ड हुए। अब 11 गेंदे और 18 की जरूरत, ऋतिक तैयार, एक और फुल टॉस गेंद, यहां पर हवा में गेंद है, अपने फॉलो थ्रू में कैच को लपकने की कोशिश, लगातार फुल टॉस गेंद के ऊपर यह दूसरी सफलता ऋतिक मात्रे के लिए मिलती हुई। यहां से चिकले टीम संकट में फंसती हुई नजर आ रही है, अब कोई एक संकट मोचक महाबली कौन होगा इस टीम का संकट मोचक बल्लेबाज, ये देखना होगा। काफी कड़ा मुकाबला, 10 गेंदे 18 रन, कभी लगता है कि मुकाबला चिकले टीम जीतेगी तो कभी लगता है कि मुकाबला बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम जीतेगी। ये क्रिकेट का संघर्ष यहां से जारी है, मैच कौन जीतेगा, जब तक कि आखिरी गेंद गिरती नहीं तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। 10 गेंदे शेष और 18 रनों की जरूरत, सूरज पाटिल नंबर 6 की पोजीशन पर आते हुए, सूरज पाटिल मैदान के अंदर आते हुए, 10 गेंदे 18 रन, काफी कड़ा मुकाबला। हमारे कांचन जी पालकर सर हाईलाइट करते हुए किस तरीके से विकेट गए हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से स्कोरिंग की भूमिका करते हुए नजर आ रहे, 3-3 पेन हाथ में लेकर काफी अच्छी स्कोरिंग की भूमिका करते हुए नजर आ रहे, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर, 10 गेंदे 18 रन। चलिए टीम मीटिंग नहीं लेनी है, मैच तुरंत आपको शुरू करना है। 10 गेंदे 18 रन, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर, वक्त की कीमत आपको जाननी होगी क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। लगातार 2 विकेट हैट्रिक के ऊपर है ये गेंदबाज ऋतिक मात्रे, दोनों भी गेंद जो फेंकी थी, दोनों भी गेंद फुल टॉस थी लेकिन लगातार 2 विकेट मिले हैं। अब सूरज पाटिल की बल्लेबाजी किस तरीके से होगी, सूरज अब ढल चुका है लेकिन ये सूरज मैदान के अंदर आ चुका है, इस सूरज को अब गर्म होना होगा इस मैदान के ऊपर। यहां से देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद क्या जबरदस्त टर्न लेती हुई नजर आई, डॉट गेंद की हुई समाप्ति, सूरज को समझ नहीं पाए। 9 गेंदे और 18 की जरूरत, 12 में 18 चाहिए थे, लगातार 2 विकेट उसके बाद ये डॉट गेंद, 9 गेंदे और 18 रनों की जरूरत, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। यहां से देखिए बिल्कुल अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और विकेट मिलता हुआ यहां से नजर आएगा, बल्लेबाज सूरज पाटिल की पारी यहां से समाप्त होगी। ऋतिक मात्रे इस टीम के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए, मैच अभी फिनिश नहीं हुआ है, मैच अभी भी बाकी है, आने वाली गेंदे बची है। यहां से अब 8 और 18 की जरूरत, 8 गेंदे 18 रन, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। यहां से
अच्छी बल्लेबाजी करते होगी चिकले टीम के बल्लेबाजों को। सागर पाटिल नए बल्लेबाज जाते हुए जरूर अक्सर कहते हैं कि जिंदगी का रास्ता आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े के गांव पत्थर पर पत्थर भी भगवान नहीं होता। यह मैच काफी रफ एंड टफ है, यह मैच काफी कड़ा है, अभी भी गवाया नहीं है चिकले टीम ने इस मैच में। 8 गेंदे और 18 रनों की जरूरत, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। क्या इतिहास बना पाएंगे टीम चिकले के बल्लेबाज, क्या इस मैच में जीत दिला पाएंगे ये बल्लेबाज चिकले टीम को, क्या होगा इस मैच में। आने वाली 8 गेंदे 18 रनों की जरूरत, लगातार 4 गेंदे दौड़ गई है इस ओवर में, अब अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। सागर पाटिल फिर एक बार लेफ्टी बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर, तमाम दर्शक इस मैच के इंतजार में कि कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। काफी कड़ा मुकाबला होता हुआ मैदान के अंदर, किंजल ट्रॉफी 2023 का यह शानदार कारवा अभी भी जारी है। इस बार देखिए डंडी गोल होती हुई 4th विकेट इस ओवर में, बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम के लिए मिलती हुई, क्या जबरदस्त गेंदबाजी ऋतिक मात्रे द्वारा, 5 गेंदे फेंकी 4 सफलता इन्होंने अपने नाम की है, जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई ऋतिक मात्रे द्वारा, 7 गेंदे शेष और 18 रनों की जरूरत, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर, 7 गेंदे और 18 रनों की जरूरत नए बल्लेबाज सौरभ पाटिल मैदान के अंदर, गौरव पाटिल मैदान के अंदर आते हुए, 7 गेंदे और 18 की जरूरत है, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर है। गौरव आपको यहां से कुछ कर दिखाना होगा इस मैच में जरूर। आने वाली 7 गेंदे और 18 रनों की जरूरत, काफी कड़ा मुकाबला है मैदान के अंदर, अब हवा आपको किसी भी तरीके की नजर नहीं आ रही है, जब हवा रहती है तो बल्लेबाज को मौका रहता है कि छक्के चौके लगाने का, लेकिन अब अपने ताकत के बल पर छक्के लगाने होंगे। 7 गेंदे शेष 18 की जरूरत, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर, क्या मिडन ओवर फेंकेंगे ये गेंदबाज ऋतिक मात्रे, 5 गेंदे डॉट जरूर यहां पर फेंकते हुए, इस बार शानदार शॉट अपने फॉलो थ्रू में, जबरदस्त फील्डिंग बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम के लिए, मेडन ओवर 12 गेंदों में 18 चाहिए थे और ऐसे समय में मेडन ओवर फेंकने वाले ये गेंदबाज ऋतिक पात्रे, जबरदस्त गेंदबाजी, 4 विकेट भी अपने नाम।